अनाउंसमेंट भी करना चाहते हैं। आज हमारी जो वार्ता का प्रेस वार्ता का मुख्य कारण यही था कि बहुत जल्द हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने प्रदर्शन करने जाएंगे, क्योंकि हम इलेक्टेड लोग हैं और तीन साल जो हमें धोखे में रखा गया, जिस प्रकार तीन साल में सिर्फ आठ बारी जनरल हाउस की मीटिंग लगाई, पिछले पांच महीनों से जनरल हाउस की मीटिंग नहीं लग रही। मेरे साथ द्वारका चौधरी जी, सेकंड टाइम कॉर्पोरेटर चीफ व्हिप, और हमारे अशोक सिंह जी, अमित गुप्ता जी, प्रीतम जी, सुचा सिंह जी, सोबत अली जी और बाकी जो हमारे कांग्रेस और इंडिपेंडेंट के कॉर्पोरेटर्स हैं, हम आपके सामने ये कहना चाहते हैं कि बहुत जल्दी है प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट लग सकती है, अगर प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट लगा सकते हैं, 500 से ऊपर सांसद बैठ सकते हैं, तो जम्मू शहर के अंदर जम्मू नगर निगम का जनरल हाउस क्यों नहीं लग सकता, ये हम मेयर साहब से पूछना चाहते हैं कि मेयर साहब कौन सी धांधलियों को छुपाने के लिए, कौन सी अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए जनरल हाउस की मीटिंग नहीं लगा रहे। स्मार्ट सिटी के अंदर जो धांधलियां हुई हैं, स्ट्रीट लाइट के अंदर जो धांधलियां हुई हैं, 80 करोड़ का जो कब्जा लोगों ने किया, जो पिछले जब से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी है तब से दो बार सीबीआई की रेड हुई। मेयर साहब आपके नेतृत्व में जब से आप मेयर बने तब से दो बार सीबीआई की रेड हुई, क्या निकल कर आया सीबीआई की रेड में, हम सब इसका जवाब मांगते हैं। फाइनेंस प्लानिंग कमेटी के अंदर सभी फाइनेंस के मेंबर्स को कुछ नहीं बताया जाता, एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर जो डिसाइड किया जाता है उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। क्या आपने एग्जीक्यूटिव कमेटी इसलिए बनाई थी कि जनरल हाउस की मीटिंग को दरकिनार किया जाए, उसके अंदर आपको कॉर्पोरेटर्स की बातें ना सुननी मिले। आज हमारे खिलाफ प्रदर्शन होते हैं, आज गलियां और नालियां नहीं बन रही है, जो गलियां और नालियां बननी चाहिए उसी से हम स्मार्ट दिखेंगे, हमारा वार्ड स्मार्ट दिखेगा, ना कि जो आपने साइन बोर्ड लगाए हैं स्मार्ट सिटी के, जो आपने हमारी डोगरा विरासत को खत्म करने की कोशिश की। आपका सबसे पहला कर्तव्य बनता था कि अगर स्मार्ट सिटी के साइन बोर्ड लगाने थे तो उसमें डोगरी होनी चाहिए थी, उसमें हिंदी होनी चाहिए थी। अगर आप गुजरात में जाते हैं तो गुजराती नजर आती है, हरियाणा में जाते हैं तो हरियाणवी नजर आती है, पंजाब जाते हैं तो पंजाबी नजर आती है, लेकिन जम्मू में आते हैं तो डोगरी क्यों नहीं नजर आती, ये मेयर साहब हम आपसे पूछना चाहते हैं। आखिरकार जम्मू के लोगों का क्या कसूर था, आपके लीडर लैंड माफिया में अंदर होते हैं, उनका नाम आता है और कसूरवार आप कराते हैं कि अमित गुप्ता और गौरव चोपड़ा उसे लगाने देते। जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, जब हम अपनी बात रखते हैं, तो आप कहते हैं कि ये लोग जो कांग्रेस के और इंडिपेंडेंट के लोग हैं ये जनरल हाउस को गुमराह करते हैं। गुमराह तो आप कर रहे हैं जनता को, जो 200 करोड़ आपने स्मार्ट सिटी में कहा कि नालों के ऊपर लगाया, वो आप सबने देखा कि पिछले 5 घंटे की बारिश में या पिछले दिनों में लोगों के घरों में वो 200 करोड़ कैसे पहुंचाया गया, वो गंदा नाले का पानी कैसे लोगों की किचन तक चली गया, ये सब बातें मेयर साहब आपसे हमने पूछनी है। आज 3 साल के बाद भी आप भागते फिरते हैं कॉर्पोरेटर्स की जवाब देते हुए, आप मीडिया को एड्रेस नहीं कर पाते, आखिर क्यों, हमें बताएं। आज सबसे बड़ा सवाल जो बर्थ सेक्शन में जो डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए बात करते हैं और जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की बात करते हैं उसमें भी ऑनलाइन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, उसके अंदर भी दिक्कत आ रही है। हम पूछना चाहते हैं कि हम कॉर्पोरेटर्स जीत कर आए थे, अगर प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि लोकल बॉडी चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर कराए जाएंगे, तो आज सबसे पहले लोकल बॉडी के चुनाव 2018 में हुए। लेकिन हमें बड़ी शर्म से कहना पड़ता है कि टीडीसी वालों ने अपने हक की लड़ाई ले ली, आज उनको प्रोटोकॉल मिल गया। आज 74 अमेंडमेंट जो कॉर्पोरेटर्स को मजबूत करने के लिए था वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, क्यों वो एक कॉर्पोरेटर जो है वो एक स्ट्रीट लाइट नहीं लगा सकता, एक 50,000 का फंड जो है रिपेयर के लिए नहीं लगा सकता, तो कौन से कॉर्पोरेटर हुए हम लोग। तो इसी के लिए हमारी ये प्रेस वार्ता थी, बहुत जल्द जो है वो हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और हमारी मुख्य डिमांड है कि 14FC का पैसा जो हमारा वापिस हुआ उसे लाया जाए, जनरल हाउस की मीटिंग जल्द से जल्द की जाए ताकि हम अपने मसाइल जो है उस जनरल हाउस में रख सके और उसको इम्प्लीमेंट हो सके।